आज तारीख हो चुकी है 21 मार्च। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सब आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें और 10 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 10 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 10 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है मुंबई इंडियंस की तरफ से। दरअसल मुंबई की टीम ने अब यहां पर आईपीएल 2023 के एडिशन की अब ऑफिशियली तैयारियां शुरू कर दी। कल इस टीम के यहां पर बल्लेबाजी कोच कायरोन पोलार्ड भी अब यहां पर भारत आ गए थे। आप अपनी स्क्रीन पर कायरोन पोलार्ड की यहां पर मुंबई के यहां पर नए किट में यहां पर फोटो वीडियो देख पा रहे हैं, जहां पर कल कायरोन पोलार्ड ने अब यहां पर मुंबई आकर भारत आकर इस टीम के कैंप को ज्वाइन कर लिया। जहां पर कल कायरोन पोलार्ड जब भारत आए तब सोशल मीडिया पर ऐसी फैली थी कि पोलाडिस आईपीएल एडिशन में खेल रहे, इसी वजह से ये जल्दी भारत आ गए। लेकिन यहां पर खबर ये है कि यहां पर पोलाडिस आईपीएल एडिशन में केवल कोच के तौर पर हमें मुंबई के लिए काम करते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर कायरोन पोलार्ड अब यहां पर भारत आ चुके हैं। मुंबई का अब जोरों शोरों से यहां पर आईपीएल का कैंप लग चुका। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या पिछले साल नंबर 10 पर रही मुंबई इंडियंस की टीम इस साल पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रह सकती है या फिर नहीं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी के अनबॉक्स इवेंट को लेकर। दरअसल अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर 26 मार्च को आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट होगा। अनबॉक्स इवेंट में इस टीम की हमें नई जर्सी, नया लोगो देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अनबॉक्स इवेंट के दौरान ये टीम काफी सारी अनाउंसमेंट करेगी और अनबॉक्स इवेंट के लिए स्पेशली क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स को इन्होंने बुलाया। इसके साथ ही फैंस को भी यहाँ पर स्टेडियम में एंट्री दी गई, चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये इवेंट होगा। इसके साथ ही इस इवेंट से पहले यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है कि इस इवेंट के लिए अब टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर लगभग 640 रुपयों से इस इवेंट के लिए यहाँ पर टिकट शुरू। अगर आप चिन्नास्वामी में जाकर आरसीबी के इवेंट को अगर देखना चाहते हो तो महज 640 रुपयों में आप यहां पर इस इवेंट का टिकट बुक कर सकते हो। वैसे आईपीएल के 10 टिकट तो हम हमारे 10 लकी सब्सक्राइबर्स को दे रहे हैं। आपके पास मौका है कि आईपीएल के टिकट्स आप जीत सकते हो। कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करने के लिए आपको केवल वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉल करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है क्योंकि हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए आप कौन सी तारीख के कौन से मुकाबले का टिकट जीतना चाहते हो। अब बात करते हैं यहां पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है लखनऊ और हैदराबाद की यहां पर प्रैक्टिस जर्सी को लेकर। दरअसल लखनऊ और हैदराबाद की फ्रेंचाइजियां अब यहां पर कैंप लगाकर ये टीम इन टीमों ने भी यहां पर ऑफिशियली अब कल से आईपीएल की तैयारियां शुरू कर दी। ये दोनों टीमें अपनी नई यहां पर आईपीएल की प्रैक्टिस जर्सी में नजर आई थी। फैंस को काफी अधिक इन दोनों टीमों की प्रैक्टिस जर्सी यहां पर अच्छी लगी है। कुल मिलाकर फैंस को इन टीमों की प्रैक्टिस जर्सी यहां पर अट्रैक्ट कर रही है। आप अपनी स्क्रीन पर दोनों टीमों की यहां पर प्रैक्टिस जर्सी देख पा रहे होंगे, तो ये यहां पर इन दोनों टीमों की प्रैक्टिस जर्सी हो सकता है। इसी कलर में ये दोनों टीमें यहाँ पर आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए यहाँ पर अवे जर्सीज यहाँ पर डिजाइन कर ले। अभी आईपीएल शुरू होने में यहाँ पर लगभग 2 हफ्ते का समय है, तो यहाँ पर अवे जर्सीज इन टीमों की आ सकती है। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। दरअसल कोलकाता के लिए बड़ी कुछ खबर है, कोलकाता के प्लेयर्स भी अब भारत आकर इस टीम के कैंप को ज्वाइन करने लगे। आप अपनी स्क्रीन पर सारी फोटो वीडियो देख पाओगे, जहां पर नीतीश राणा, रिंकू सिंह, इसके साथ ही और भी काफी सारे प्लेयर्स यहाँ पर अब कोलकाता के कैंप को ज्वाइन कर रहे। तो कोलकाता ने भी अब जोरों शोरों से आईपीएल की तैयारी शुरू कर दी। इसके साथ ही कोलकाता की तो अवे जर्सी यहाँ पर कोलकाता की तो प्रैक्टिस जर्सी फैंस को काफी अधिक अट्रैक्ट कर रही है। फैंस की तो ये भी मांगी कोलकाता को इस प्रकार की अवे जर्सी बना देनी चाहिए, जहां पर एक पर्पल कलर की जबकि दूसरी यहाँ पर रेड कलर की इस टीम को यहाँ पर जर्सी बना देनी चाहिए। 2 जर्सी का आईपीएल में प्रयोग करना चाहिए। वैसे आप अपने स्क्रीन पर इस टीम की प्रैक्टिस जर्सी देख पा रहे होंगे, आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या सचमुच कोलकाता को यहाँ पर इस प्रकार की यहाँ पर 2 जर्सी का आईपीएल में आखिर प्रयोग करना चाहिए या फिर नहीं। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई के ओवरसीज प्लेयर्स को लेकर। दरअसल चेन्नई के 8 ओवरसीज प्लेयर यहां पर फाइनलाइज हो चुके, जहां पर काइल जेम्सन के बाहर होने के बाद उनके रिप्लेसमेंट बुलाने के बाद अब इस टीम के 8 विदेशी खिलाड़ी अब फाइनलाइज हो चुके। जहां पर इस टीम के लिए यहां पर विदेशी प्लेयर्स के तौर पर हमें बेन स्टोक्स, मोइन अली, इसके साथ ही पिटोरियस मिचेल सेंटनर, इसके साथ ही ड्वेन कॉनवे, इसके साथ ही यहां पर महेश यहां पर पितराना, इसके साथ ही यहां पर मगाला इस टीम के लिए हमें खेलते हुए देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये 8 इस टीम के विदेशी खिलाड़ी है। यहां पर इन खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम इस आईपीएल एडिशन में उतरती हुई दिखेगी। किस प्रकार का कॉम्बिनेशन इस टीम का इस आईपीएल एडिशन में नजर आएगा, आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन से 4 विदेशी खिलाड़ी आखिर इस टीम की यहां पर प्लेइंग 11 का भाग रहेंगे। आप कौन से 4 विदेशी खिलाड़ियों को आखिर प्लेइंग 11 में देखना चाहते हो। बात करते हैं यहां पर छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है ऋषभ पंत की तरफ से। दरअसल ऋषभ पंत की रिसेंटली एक फोटो यहां पर सामने आई, जहां पर ऋषभ पंत की सोशल मीडिया पर यह फोटो यहां पर सामने आई थी। ऋषभ पंत अब यहां पर रिकवरी मोड में
यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत यहाँ पर रिकवर कर रहे हैं और खबर है कि दिल्ली कैपिटल्स के यहाँ पर मुकाबलों के दौरान ऋषभ पंत डगआउट में मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर ऋषभ पंत अब दिल्ली कैपिटल्स को डगआउट से सपोर्ट करेंगे, डगआउट से वो यहाँ पर टीम के साथ रहेंगे। तो ऋषभ पंत आईपीएल 2023 के एडिशन में हमें दिल्ली कैपिटल्स के यहाँ पर कैंप का भाग होते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक तरीके से बड़ी खुशखबरी, जहाँ पर ऋषभ पंत को कप्तानी का काफी अधिक एक्सपीरियंस है और ऋषभ पंत के डगआउट में होने से इस टीम को यहाँ पर इनिशियली काफी अधिक यहाँ पर बेनिफिट होगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऋषभ पंत का और दिल्ली कैपिटल्स का ये सही डिसीजन, सही फैसला है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है शेन वॉटसन की तरफ से। दरअसल शेन वॉटसन ने यहाँ पर काफी बड़ा एक बयान दिया, जहाँ पर एमएस धोनी को लेकर शेन वॉटसन ने काफी बड़ा बयान दिया, जहाँ पर शेन वॉटसन ने यह बताया कि यहाँ पर एमएस धोनी आने वाले 3 से 4 साल और आईपीएल खेल पाएंगे। जहाँ पर वॉटसन ने यह बताया कि जिस प्रकार की एमएस धोनी की फिटनेस है, जिस प्रकार से उनकी यहाँ पर प्रेजेंस है, उनको देखते हुए यहाँ पर यह लग रहा है कि तीन से चार साल और वो आईपीएल खेल सकते। और दीपक चहर ने भी यह बताया कि एमएस धोनी ने अब तक कन्फर्म्ड नहीं किया कि उनका आखिरी सीजन है या फिर नहीं। तो दीपक चहर भी जो कि चेन्नई के यहाँ पर प्लेयर है, एमएस धोनी के काफी अच्छे दोस्त है, उन्होंने ये कन्फर्म किया कि यहाँ पर एमएस धोनी हो सकते हैं कि अगले साल भी खेलते हुए दिखे। तो कुल मिलाकर यहाँ से हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर हो सकता है एमएस धोनी अगले साल भी हमें कंटिन्यू दिखा। आप कमेंट करके बताइए कि एमएस धोनी को आप अगले साल भी यहाँ पर खेलते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं आठवीं बड़ी खबर की। तो आठवीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है भारत ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वनडे मुकाबले को लेकर। दरअसल कल चेन्नई से यहाँ पर दोपहर 1:30 बजे से हमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पर तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला देखने को मिलेगा, जहाँ पर इस सीरीज में अब 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें आ चुकी। ये सीरीज यहाँ पर निर्णायक मोड पर अब आ चुकी। इसके साथ ही इस सीरीज में यहाँ पर पहले मुकाबले भारतीय टीम का काफी अच्छा प्रदर्शन था, दूसरे मुकाबले ऑस्ट्रेलिया टीम का काफी अच्छा प्रदर्शन था, तो तीसरा मुकाबला अब निर्णायक मुकाबला रहेगा। यहाँ पर फैंस तो यहाँ पर इस मुकाबले का काफी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आईपीएल से पहले भारतीय टीम ये सीरीज जीत सकती है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नवी बड़ी खबर की। तो नवी बड़ी खबर निकल कर आती होती हैदराबाद की तरफ से। दरअसल हैदराबाद के खिलाड़ी भी अब यहाँ पर इस टीम के कैंप को ज्वाइन करने लगे, जहाँ पर हैदराबाद के लिए यहाँ पर कुछ खिलाड़ी तो प्रैक्टिस कैंप लगा चुके हैं, कुछ खिलाड़ी अब यहाँ पर इस टीम के कैंप को ज्वाइन कर रहे हैं। टी नटराजन, इसके साथ ही मयंक अग्रवाल, इसके साथ ही आप बाकी प्लेयर्स की अपनी स्क्रीन पर फोटो वीडियो देख पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर खिलाड़ी अब भारत आकर इस टीम के कैंप को अब फटाफट यहाँ पर ज्वाइन करने लगे। इस टीम का भी यहाँ पर कैंप जोरों शोरों से हाल फिलहाल में यहाँ पर शुरू हो रहा है। अब बात करते हैं दसवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो दसवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है यहाँ पर सुपर सिक्सेस चैलेंज को लेकर। दरअसल हमने आईपीएल 2013 तक ये देखा था कि आईपीएल में मुकाबला समाप्त होने के बाद दोनों टीमों के यहाँ पर तीन तीन प्लेयर्स यहाँ पर सुपर सिक्स चैलेंज यहाँ पर किया करते थे। जो यहाँ पर 6 प्लेयर्स में से सबसे लंबा यहाँ पर जो छक्का लगाता था उस प्लेयर को यहाँ पर प्राइज मनी मिलती थी। कुल मिलाकर बॉल मशीन से यहाँ पर बॉल फेंकी जाती थी और यहाँ पर उस बॉल पर छक्का लगाना होता था। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सैंपल फोटो देख पा रहे हो। तो यहाँ पर सुपर सिक्स चैलेंज अब आईपीएल में दोबारा आने वाला है। बीसीसीआई ने यहाँ पर हिंट दिया है कि आईपीएल एडिशन में हमें सुपर सिक्स चैलेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ मुकाबलों के बाद हर सप्ते में एक बार हमें यहाँ पर सुपर सिक्स चैलेंज देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के तीन तीन खिलाड़ियों को यहाँ पर लंबा छक्का मारने का मौका दिया जाएगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट टीम में से आखिर कौन सा प्लेयर यहाँ पर सुपर सिक्सेस चैलेंज में आखिर सबसे लंबा छक्का लगा सकता है। आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो अगर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।